हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय जिलों में दस्तक देने को तैयार चक्रवात। उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट के लिए येलो चेतावनी जारी। एनडीआरएफ की महाराष्ट्र में 16 व गुजरात में 13 टीमें तैनात। महाराष्ट्र सरकार का मुंबई और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी। मुंबई शहर, उपनगरीय जिले ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में अलर्ट। बंगाल और उड़ीसा में पिछले दिनों सुपर साइक्लोन अम्फान तबाही मचाने के बाद चक्रवात ने सर पश्चिमी तट पर अरब सागर के ऊपर बनना शुरू हो गया है और महाराष्ट्र व गुजरात के कुछ हिस्सों में टकरा सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तट के लिए एक येलो चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने आग्रह किया है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग मुंबई सहित महाराष्ट्र के तटीय जिलों को गुजरात और अन्य पड़ोसी राज्यों से अधिक प्रभावित करेगा। अरब सागर में डिप्रेशन तीव्र होकर एक गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग में परिवर्तित होने वाला है और 3 जून को रायगढ़ जिले में हरिहरेश्वर और दमन के बीच उत्तर महाराष्ट्र और गुजरात के तटों को पार करेगा। एनडीआरएफ ने गुजरात से पहले ही 13 टीमें तैनात कर दी है, जिनमें से 2 टीमों को रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में 16 टीमें तैनात की गई है, जिनमें से 7 टीमों को रिजर्व रखा गया है, जबकि एक एक टीमें दमन और दीव और दादरा एवं नगर हवेली में तैनात की गई है। एनडीआरएफ निचले तटीय इलाके से लोगों को खाली करने में राज्य सरकारों की मदद कर रहा है। इसका मतलब यही होता है कि 3 जून को ये महाराष्ट्र और एडजनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। हमारा ये उम्मीद है कि 3 जून आफ्टरनून के आसपास शायद ये तट को पार करेगा। सो इसके प्रभाव में अभी जो बारिश अभी हो रहा है और तेजी से बारिश होगा, सेकेंड से बारिश का परिमाण बढ़ेगा और 3 को स्पेशली ज़्यादा बारिश होगा। महाराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से और एडजनिंग मध्य महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट से स्पेशली सिंधुदुर्ग से शुरू करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, थाने, रायगढ़, मुंबई और पालघर, ये सभी में हम हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेशली 3 जून पे। और इसके साथ साथ अभी समुद्र में जो विंड स्पीड है वो अभी 45 to 55 km/h गस्टिंग टू 65 km/h चल रहा है डिप्रेशन के साथ, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह ये 60 to 70 km/h होने का उम्मीद हो रहा है जब ये साइक्लोन में परिणत होगा। और ये धीरे धीरे बढ़कर हमारा जो उम्मीद है 90 to 105 km/h हो सकता है जब ये तट के पास पार करेगा, यानी ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से तट के पास आने का हमारा उम्मीद है। मगर फिर भी अभी 3 दिन का पहला फोरकास्ट है ये, अभी हम कंटिन्यूसली इसको एसेस कर रहे हैं और एवरी 3 hourly or 6 hourly हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आप लोगों को हम अपडेट देंगे। मैं ये आप लोगों को सूचित करना चाहता हूँ कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो सभी साइक्लोन मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, सभी को ये इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं और सभी भी कोशिश कर रहे हैं सभी स्टेप्स लेने के लिए। जागरूक टीवी की खास पेशकश।